नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राज कपूर और ऋषि कपूर का है, जब भरी महफिल में राज कपूर ने ऋषि कपूर को थप्पड़ जड़ दिया। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने अपनी फिल्मों और अपने स्टाइल से सिनेमा में जबरदस्त पहचान हासिल की थी। माना जाता था कि उन्होंने बॉलीवुड में फिल्में बनाने का तरीका ही बदल दिया था। राज कपूर को लेकर ऐसा भी कहा जाता था कि वो काफी स्मोक करते थे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके बच्चे भी सिगरेट जैसी किसी भी चीज के आदि बने। ऐसे में जब राज कपूर ने ऋषि कपूर को सिगरेट पीते देखा तो वो इस कदर आग बबूला हो गए कि उन्होंने बेटे को भरी महफिल में थप्पड़ मार दिया। राज कपूर से जुड़ी इस बात का खुलासा खुद ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में किया था। ऋषि कपूर ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें स्मोक करते हुए पकड़ लिया था और गुस्से में ही सबके सामने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। ऋषि कपूर ने उस वक्त को याद करते हुए लिखा है, मुझे वो एक दिन अच्छे से याद है जब हम अपने पापा की राह देख रहे थे। इस दौरान ही मेरे पिता के मेकअप मैन ने सिगरेट जलाई और मैंने भी उनके साथ साथ सिगरेट के कुछ कश लगा लिए। इसी बीच राज कपूर साहब आ गए। ऋषि कपूर ने इस बारे में आगे लिखा, मुझे सिगरेट पीता देख वो इस कदर भड़क गए कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया था। उस थप्पड़ की वजह से मेरे मन में पापा का डर तो बैठ ही गया, लेकिन वो थप्पड़ मुझे स्मोकर बनने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। ऋषि कपूर ने अपने संस्मरण में पिता राज कपूर के निधन का भी जिक्र किया है। ऋषि कपूर ने इस बारे में बात करते हुए लिखा है, 2 जून साल 1988 को जब मेरे पिता का अस्थमा से निधन हुआ तो मेरे दोस्त को तेल अवीव में एक कैब ड्राइवर ने उनके गुजरने की सूचना दी थी। इस बात ने हमें एहसास दिलाया था कि मेरे पिता केवल भारत में ही नहीं बल्कि इसराइल जैसी जगहों पर भी एक स्टार थे। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में बताया कि उनके पिता के निधन से 1 महीने पहले तक वो कोमा में थे और उनका इलाज दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चल रहा था। ऋषि कपूर ने यह भी बताया कि वो अपने पिता की जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि काश कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मृत्यु जीवन का अंतिम सच है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।